हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो गोल्ड ने इस साल के सभी टारगेट अचीव कर लिए हैं और ऊपर से हमने अच्छा खासा अभी प्रॉफिट बुकिंग भी देखा है। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड बंद हुआ है लगभग 51,450 के अराउंड, लगभग 200 रुपये नीचे, 0.04% लॉस के साथ हम बंद हुए थे। यहाँ अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे ऊपर के सभी टारगेट अचीव करने के बाद एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग ने फिर से गोल्ड को जो है तो फ्लैट पॉजिटिव टेरिटरी में आकर रख दिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि फॉर मंथ हम सिर्फ 700 रुपये ऊपर है, 1.35%। अगर हाई देखोगे आप तो हाई था लगभग 55,558 का, अभी ट्रेड कर रहे हैं हम 51,500 के अराउंड, तो लगभग ऊपर से 4,000 पॉइंट ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, जो दिखाता है कि ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो चुका है और जो अभी बचा है वो भी शायद नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ जो है एक लॉन्गर टर्म करेक्शन हम गोल्ड में देख सकते हैं। ऊपर जो है तो ऊपर के सभी टारगेट अचीव हो चुके हैं, यहाँ जो है तो अभी मुझे लॉन्गर टर्म में गोल्ड में एक डाउन साइड दिखती है जो गोल्ड को लेकर जा सकती है मिनिमम 47,000 की तरफ। अगर उसके नीचे स्लिप होते हैं तो हम देख सकते हैं कि लगभग 40-41,000 के लेवल भी गोल्ड में आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लियरली मंथली चार्ट पे रिजेक्शन दिख रहा है। अभी तक ये मंथली चार्ट क्लोज नहीं हुआ है तो अभी ये फिलहाल ये अर्ली साइन है, अभी इस महीने की कैंडल कैसे क्लोज होती है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये जो कैंडल है ये क्लोज होती है लगभग 52,000 के ऊपर तो यहाँ गोल्ड पे बाय सिग्नल जनरेट होगा मंथली बेसिस पे और जिसका जो टारगेट रहेगा वो बहुत ही बड़ा रहेगा ऊपर की तरफ। मगर अगर ये सेल जो है तो ये रिजेक्शन में क्लोज होता है या फिर हम 52,000 के नीचे क्लोज होते हैं तो ये रिजेक्शन रहेगा, जिसका मतलब है अगली कैंडल जो है तो आपको अगले 2 से 3 कैंडल अच्छे खासे रेड देखने को मिलेंगे और गोल्ड जो है तो नीचे स्लिप करेगा इन लॉन्गर टर्म। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट 2 वीक से हम नेगेटिव में बंद हो रहे हैं, इसका मतलब है शार्प प्रॉफिट बुकिंग और ये होना ही था क्योंकि ऊपर के लेवल ये न्यूज़ फ्लो पे चला था। तो जैसे न्यूज़ जो है तो वो सबसाइड हो गई तो हमने यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखा। लास्ट वीक हम लगभग फ्लैट नेगेटिव बंद हुए थे 320 रुपये के लॉस के साथ, इस वीक हम लगभग 1500 रुपये के लॉस के साथ लगभग 3% डाउन ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ जो है तो नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है वीकली चार्ट में वो है 49,400 का और उसके बाद में 48,000 का सपोर्ट है और इन सपोर्ट के तरफ हम शायद आने वाले 2-3 हफ्तों में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ वीकली चार्ट पे मुझे करेक्टिव पैटर्न लग रहे हैं और यहाँ मेरा सेल करना तो पसंद नहीं करूँगा मैं, मगर प्रॉफिट बुक जिन्होंने नीचे के लेवल पे खरीदा है और जिन्होंने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया तो उन्हें सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए और नीचे के लेवल पे वेट कीजिए फिर से बाइंग का। अगर मुझे शॉर्ट करना है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो शॉर्ट करना मैं सिर्फ इंट्राडे या फिर मैक्स टू मैक्स 1-2 दिन के लिए करूँगा। यहाँ जो है तो रेंज बहुत बड़ी है तो स्टॉप लॉस बहुत डीपर रखने पड़ते हैं तो वो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता है। जो रिस्क ले सकते हैं या फिर जिन्होंने टॉप पे सेल किया है उनके लिए टारगेट रहेगा 49,400, उसके बाद में 48,000 के टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो मीडियम टर्म में, मतलब आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ये टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने सभी टारगेट अचीव कर लिए, अच्छा खासा करेक्शन भी आ चुका है और यहाँ जो है तो हम मेजर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ एज पर डेली चार्ट आई विल सेल गोल्ड ऑन बाउंस बैक, तो हम यहाँ जो है तो बाउंस बैक मिलता है मुझे और बाउंस बैक मिलता है लगभग कहाँ तक तो 53,200 के अराउंड अगर गोल्ड मिलता है तो एक 200-300 पॉइंट के साथ स्टॉप लॉस के साथ हम शॉर्ट जाना पसंद करेंगे। यहाँ नीचे जो टारगेट लगते हैं मुझे वो 50,400 और उसके बाद में 48,600 के टारगेट एज पर डेली चार्ट दिख रहे हैं। यहाँ देखना होगा कि हम जो 20 दिन का एवरेज है उसके नीचे सस्टेंड होते हैं कि नहीं, अगर उसके नीचे सस्टेंड होते हैं तो आप उस एवरेज के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट जा सकते हो, जिसमें उसमें भी टारगेट आपके सेम ही रहेंगे 50,400 और 48,600, ये दो टारगेट के लिए आप गोल्ड में शॉर्ट जा सकते हो।
या सेल ऑन राइस भी रहेगा अगर हम जो 20 डेज का एवरेज है, और जो एवरेज है वो है 51,550 का, तो उसके नीचे अगर सस्टेन करते तो आप जो है तो 700-800 के स्टॉप लॉस के साथ इस कैंडल के ऊपर, तो 750 पे स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, इस स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट जा सकते हो। मगर यहाँ दिक्कत एक ही है कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। मेरे हिसाब से जो शॉर्ट बनता है लो रिस्क यानी हाई रिवॉर्ड का, वो बनता है लगभग 53,200 के अराउंड, 53,200 to 300 के अराउंड जो है, तो एक परफेक्ट शॉट बनता है गोल्ड में। स्टॉप लॉस 200-300 पॉइंट का रहेगा, टारगेट जो बनेगा लगभग 1.5 से 2,000 पॉइंट का नीचे टारगेट बनता है, उससे भी ज़्यादा टारगेट बनता है। तो ये एक अच्छा खासा लेवल है शॉर्ट करने के लिए, अगर इन लेवल पे मिलता है तो बिल्कुल शॉर्ट करेंगे हम गोल्ड को। अभी फिलहाल के लिए आप अगर शॉर्ट करना ही चाहते हो तो जब तक गोल्ड 20 डेज के एवरेज के नीचे है तब तक बेरिश व्यू रखें। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 750 के ऊपर, नीचे जो है तो 50,400 और उसके बाद में 48,600 के टारगेट एज अ स्विंग टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो, जो हो सकता है कि हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाए। तो यहाँ हमने डेली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा और मंथली चार्ट देखा, तीनों यहाँ जो है तो करेक्टिव और बेरिश सिग्नल दिखाई दे रही है गोल्ड पे, और यहाँ प्राइजेस जो है तो सॉफ्ट रहने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब गोल्ड प्राइजेस जो है तो नीचे आने वाले हैं ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग। तो ये आपको यहाँ जो है तो ट्रेडर के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, और जो इन्वेस्टर है जिन्होंने बुक नहीं किया है उन्हें आज भी प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी है उनके एंड में, अगर आपने डिप्स पे बाय किया है तो यह इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कीजिए, ट्रेडर जो है तो शॉर्ट के मौके ढूंढिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा गोल्ड में। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो M6 सेगमेंट में, तो मेरा जो प्रीमियम सर्विस है उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.